वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका महालक्ष्मी रियल किचन में। आज हम बनाएंगे आलू और सूजी के साथ में बेहद आसान सी और बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी, जो आप टी टाइम पे, ब्रेकफास्ट में और बच्चों के टिफिन में भी दे सकते हैं। तो आइए देखते हैं इस रेसिपी को कैसे बनाते हैं। इधर देखिए, गैस पे मैंने गर्म किया एक कढ़ाई और उसमें डाला है एक कप के जितना सूजी। आप मोटा या बारीक कोई भी सूजी यूज़ कर सकते हैं। तो इसको बस 2 मिनट के लिए हमको ड्राई रोस्ट कर लेना है, इसका कच्चापन निकल जाए, इसका कलर चेंज नहीं करना है। तो अभी ये हो चुका है और इसमें हम डाल देंगे 1.5 कप के जितना पानी और इसको हम पका लेंगे बहुत ही अच्छे से, ताकि सूजी फूल जाए और अच्छे से पक भी जाए। छोड़ना नहीं है, इसको घुमाते ही रहना है, नहीं तो इसमें गुठलियां आ जाएंगी। ये देखिए हो चुका है, तो इसको हम उतार लेंगे गैस से और इसको ठंडा कर लेंगे। ये देखिए और भी ज़्यादा गाढ़ा हो चुका है ये, तो इसको निकाल लेंगे एक बर्तन में। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको थोड़ा सा हम गूंथ लेंगे, जैसे आटे को गूंथते हैं ना, तो थोड़ा ये और भी सॉफ्ट हो जाएगा। और इसमें ऐड करेंगे हम 2 बड़े साइज के आलू, ये बॉयल आलू हैं, इनको मैंने ग्रेट कर लिया है। 3 चम्मच डालेंगे कम से कम मैदा, या कॉर्नफ्लोर हो आपके पास तो वो डालें। 1 चम्मच डालेंगे चिली फ्लेक्स, 1 चम्मच डालेंगे जीरा, 1 चम्मच डाल देंगे चाट मसाला, 1 चम्मच डाल देंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट और 1 चम्मच ही डाल देंगे क्रश किया हुआ ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च का पाउडर, और कम से कम 3 हरी मिर्च डालेंगे बारीक कटा हुआ, या आपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा करें। धनिया के पत्ते बारीक कटे हुए और नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है। एक डो के जैसा बना देना है इसको। ये देखिए अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो अभी हम लगा देंगे अपने हथेलियों पे ऑयल थोड़ा सा, और थोड़ा सा पोर्शन लेकर के और इसको शेप दे देंगे। आप कोई सा भी शेप दे दीजिए इसको, मैंने कुछ इस तरह स्क्वायर में शेप दिया है। ये देखिए बस ऐसे ही बना लेना है। और इधर कढ़ाई रखा है एक मैंने पैन, और इसमें ऑयल गरम किया है और उसमें डाल दिया है मैंने फ्राई करने के लिए। इसको हम गोल्डन और क्रिस्प होने तक फ्राई कर लेंगे। एक साइड में हो जाए तो दूसरे साइड में फिर गोल्डन फ्राई करें। इसको मैं डीप फ्राई नहीं कर रही। दोनों साइड में अलट पलट करके एकदम क्रिस्प होने तक फ्राई कर लेना है। और अभी ये फ्राई हो चुके हैं, इनको निकाल लेते हैं और बाकी के बचे हुए भी ऐसे ही हम फ्राई कर लेंगे गोल्डन और क्रिस्प होने तक। और अभी ये फ्राई हो चुके हैं, कर लेते हैं इनकी प्लेटिंग। बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी है, एक बार आप ज़रूर ट्राई करें। इनको आप हरी चटनी के साथ खाएं या टोमेटो केचप के साथ, बहुत ही टेस्टी लगते हैं।
थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।